Tariq Naseem welcomes you to the online class of mathematics for the students of class 6. In the previous class, we have learned about place value and face value of the numbers. Today, we are going to discuss expanded form and short forms of numbers. In the previous class, we have learned about place value and face value of the numbers. Today, we are going to recall them. Place value किसी नंबर का क्या होता है? कोई भी नंबर अगर दो या दो से अधिक डिजिट वाला हो तो हर एक डिजिट का उसके प्लेस के हिसाब से जो वैल्यू होता है उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। जो कोई भी डिजिट जिस स्थान पर जिस जगह पर रखते हैं किसी भी नंबर पे किसी भी नंबर में तो उस हिसाब से उसका वैल्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है कि 786 एक थ्री डिजिट नंबर है, उसमें सेवन का प्लेस थर्ड प्लेस है, मतलब इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम राइट दाहिने राइट साइड से अगर काउंट करें तीसरे नंबर पे होता है और वो हंड्रेड प्लेस कहलाता है। तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 7 × 100 इज इक्वल टू 700। इसी तरह 8 सेकंड प्लेस पे है राइट साइड से, इसलिए उसका प्लेस वैल्यू 10th प्लेस पे है और उसका प्लेस वैल्यू 8 × 10 यानी 80 हो जाएगा। इसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 6 को हम लोगों ने राइट साइड से पहले पोजीशन पर रखा है तो उसकी पोजीशन 1th प्लेस कहलाती है, इसलिए उसका वैल्यू हो गया 6 × 1 × 6। इसी तरह से आप बड़े नंबर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। बड़े नंबर्स में मान लेते हैं हम लोग 8,76,758 एक नंबर लेते हैं। इसके लिए हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट को देखने से पता चलता है कि लैक्स के कॉलम में जो डिजिट है वो है 8, तो 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8 × 1 लैक विच इज़ इक्वल टू 8 लैक। इसी तरह से बाकी डिजिट्स के वैल्यू, जैसे 10,000 के कॉलम में 7 है, 7 का प्लेस वैल्यू 7 × 10,000 विच इज़ इक्वल टू 60,000। सिमिलरली यू कैन डू द रिमेनिंग डिजिट्स, प्लेस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू किसी नंबर का वो वैल्यू है जो उसके प्लेस किसी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, वो किस जगह पर है नंबर में उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे किसी कोई भी नंबर हम लोग ले, अभी जो नंबर लिए थे 8,76,758, उस नंबर में 8 का पोजीशन जहाँ कहीं भी हो वो 8 के ही बराबर होगा, उसका फेस वैल्यू 8 है। इसी तरह से 7 का फेस वैल्यू 7, 6 का फेस वैल्यू 6 एंड 5 का फेस वैल्यू 5। होमवर्क दिया गया था एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 ABC। आज के क्लास में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, कोई भी नंबर उसके प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में अगर लिखा जाता है तो वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाया। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 8,57,624, इसको अगर हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में डालेंगे तो ये हो जाएगा लैक्स के कॉलम में 8, इसी तरह से 5, 7, 6 कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम में प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाया गया है। तो आप लैक के कॉलम में 8 × लैक हो गया, 5 हो गया 5 × 10,000, 7 × 1,000, सब प्लस के साइन के साथ लिखा जा रहा है। ये तो इस तरह का एक्सप्रेशन जो है जिसमें हम लोग किसी नंबर को उसके डिजिट्स के प्लेस वैल्यू के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। इसलिए इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी 8,57,624 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा 8 लाख प्लस 50,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 4 और 8,57,624 इज इक्वल टू 8,50,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 4। नाउ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर, जिस नंबर को हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं उसका वो फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कहलाता है। द नंबर विच हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इन द
इज़ कॉल्ड इज़ इट्स शॉर्ट फॉर्म, यानी जिस नंबर को हम लोग एक्सपेंड करके लिखते हैं उसका वो उस एक्सपेंडेड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा. अपने द नंबर विच हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ द शॉर्ट फॉर्म. वो नंबर जिसे हम लोग एक्सपेंड करते हैं वो उसका शॉर्ट फॉर्म है. जैसे एग्जाम्पल अभी ऊपर एक एग्जाम्पल नया लेते हैं, 90 lakh 9,000 90 lakh 9 lakh 80,000, then 8,700 + 70 + 7. In short form it is written as 99,88,777. So 99,88,777 इस नंबर का शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा. होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 ABC, क्वेश्चन नंबर 3 ABC. That's all for today's class. Thank you.